राज्यसभा के 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं। एक सीट अजीत पवार की पार्टी के लिए छोड़ दी गई। महाराष्ट्र में अजीत की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। राज्यसभा में अब तक जिन उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उनमें वकालत में राजनीति में आए नेताओं को खूब तरजीह मिल रही है। मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इस बार हर 3 में से 1 उम्मीदवार लॉयर है। कांग्रेस ने 1 और बीजेपी ने 3 वकील को राज्यसभा के लिए नामित किया है। अब आइए जानते हैं राज्यसभा में वकीलों की इतनी तरजीह क्यों की जा रही है। आपको बता दें कि हम अब अभिषेक मनु सिंधवी की तेलंगाना की एक सीट के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंधवी को नामित किया। सिंधवी पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2024 के मार्च में कांग्रेस ने सिंधवी पे हिमाचल में राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सिंधवी ये चुनाव हार गए। सिंधवी कांग्रेस और पार्टी के बड़े नेता का लीगल केस देखते हैं। उन्हें लीगल कमेटी के चेयरमैन भी बनाया गया। सिंधवी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए अभी हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। ये मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। सिंधवी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी वकील हैं। कहा जाता है कि पार्टी के लिए सिंधवी मुफ्त में पैरवी करते हैं। ये वजह है कि हर बार राज्यसभा के चुनाव में पार्टी सिंधवी का ख्याल रखती है। मनन कुमार मिश्रा बाउर काउंसिल के अध्यक्ष। मनन कुमार मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से राज्यसभा के लिए नामित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सदस्य की ओर से गठित किए गए एक वैधानिक निकाय है जो वकीलों का प्रतिनिधित्व करता है। मनन मिश्रा बिहार के बगहा के रहने वाले हैं। मिश्रा बगहा से लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट इस बार जेडीयू के खाते में चली गई। सूत्रों के मुताबिक मिश्रा को राज्यसभा भेजे जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है न्याय संहिता का मामला। भारत सरकार में जब भारतीय दंड संहिता के बदले दिए गए भारतीय न्याय संहिता लागू करने का फैसला किया गया तो वकील इसके विरोध में आ गए। कहा जा रहा है कि तब सरकार ने मिश्रा से संपर्क साधा और मदन मिश्रा ने इस विरोध को शांत करने की बड़ी भूमिका निभाई और इसी का इनाम उन्हें मिला। अब बात करते हैं जॉर्ज कुरियन की। बीजेपी में मध्य प्रदेश के जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। अभी केंद्र के मंत्री कुरियन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वकालत से राजनीति में आए कुरियन बीजेपी में दक्षिण और प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें संगठन का नेता माना जाता रहा है। कुरियन बड़े नेताओं के भाषणों का अनुवाद करने के लिए भी जाने जाते हैं। मिशन केरल के तहत बीजेपी ने मोदी 3.0 में कुरियन को शामिल किया था। अब उनकी इस कुर्सी को बचाए रखने के लिए राज्यसभा भेजा जाना जरूरी है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा है। धैर्यशील मोहन पाटिल भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से धैर्यशील मोहन पाटिल को राज्यसभा के लिए नामित किया है। पाटिल भी वकालत से राजनीति में आए। रायगढ़ के रहने वाले पाटिल खुद को किसान एवं श्रमिक पार्टी चलाते थे। 2014 में इस पार्टी से वे रायगढ़ के पेन सीट से विधायक बन चुके हैं। मार्च 2023 में पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पाटिल के जरिए बीजेपी पश्चिम महाराष्ट्र में अपने गढ़ को मजबूत करना चाहती है और रायगढ़ में भी बीजेपी पाटिल के जरिए अपना विस्तार करना चाहती है। यहाँ के 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट है। अब जानते हैं कि कौन कौन मशहूर वकील पहले से राज्यसभा में हैं या रह चुके हैं। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से मशहूर वकील कैटीएस तुलसी, तमिलनाडु से पी विलियन और पी चिदम्बरम, यूपी से कपिल सिब्बल, राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला और मध्य प्रदेश से विवेक तन्खा सांसद हैं। सभी सांसद विपक्ष की तरफ से ही राज्यसभा में गए, जबकि बीजेपी की तरफ से पहले महेश जेठमलानी और सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा में थे, हालांकि दोनों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।